स्वागत है फ्रेंड एक बार फिर से अपने भाई के चैनल टेक्निकल सुल्लानिया पर। तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में फिर से ऐप स्टॉक प्रो के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड अभी ऐप स्टॉक प्रो में यदि आप किसी को इनवाइट करते हो तो आपको 400 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि पहले इसमें फ्रेंड 600 रुपये मिल रहे थे लेकिन अभी इसमें 400 कर दिए हैं। तो फ्रेंड मैं अभी बता दूँ, मैंने पिछले वीडियो बनाई थी उसमें कई बंदों ने डाउनलोड किया था, ठीक है, जिसमें से दो बंदे ऐसे थे उन्होंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस किया था। फ्रेंड मैंने उस वीडियो में बोला था कि भाई आपको मैं 50% देने वाला हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हो कि डाउनलोड तो बहुत बंदे ने किया है लेकिन इनमें से ओनली दो बंदे ने पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लिया और दोनों का पैसा मेरे को मिल चुका है, इसलिए मैंने इन दोनों बंदों को 200-200 रुपये दे दिए। जबकि ऊपर आप देख सकते हो अजय और उमेश, इनका प्रोसेसिंग में इनका भी जैसे ही क्लियर हो जाएगा पेमेंट, इन दोनों को भी मैं 50% 200 रुपये दे दूंगा। और अगर फ्रेंड आपको भी 200 रुपये साइनअप बोनस लेना है तो अपने बाइक के लिंक से डाउनलोड कर लेना, आपको 200 रुपये दे दूंगा। तो भाई आपको मैं फ़ोनपे में ले जाके दिखा दूँ, इन दोनों बंदों को मैंने 200 रुपये दिए थे वो आप देख सकते हो। जैसे दोनों ये बंदों का क्लियर हो जाएगा इनको भी मैं 200 रुपये दे दूंगा। फ्रेंड बता दूँ कोई भी यूट्यूबर आपको साइनअप बोनस नहीं देता है, 1 भी रुपये नहीं देता, लेकिन आपका भाई आपको 200 रुपये दे रहा है यदि आपके बाइक के लिंक से डाउनलोड करते हो। तो भाई मैं फ़ोनपे के ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा दूँ कि इन दोनों बंदों को मैंने फ़ोनपे से 200-200 रुपये भेज दिए हैं। भाई आपको स्ट्रीम में ले जाता हूँ, ठीक है, स्ट्रीम में हम चले जाते हैं और स्ट्रीम में जाने के बाद आप देख सकते हो उमेश को, ठीक है, उमेश यादव को 200 रुपये सेंड कर दिए। भाई आप देख सकते हो उमेश यादव जो कि पवन नाम कुमार के नाम से ऐड है और दूसरा विजय कुमार वर्मा, इन दोनों को मैंने 200-200 रुपये सेंड कर दिए क्योंकि इन दोनों ने मेरे लिंक से डाउनलोड किया था और इन्होंने पूरा प्रोसेस किया था और इनका मेरे को पैसा मिल भी चुका है। तो भाई आप भी जल्दी से आपके बाइक के लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और साइनअप का 200 रुपये ले लीजिए। और भाई जैसे ये और बंदे बच रहे हैं वो धीरे धीरे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको भी मैं 200-200 रुपये भाई सभी को दे दूंगा। तो भाई एक बार मैं फिर से आपको इस वीडियो में बता दूँ, प्रोसेस बताऊँगा पूरा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे साइनअप करना है, कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वेरीफाई कैसे करना, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी ऐप स्टॉक प्रो ऐप के नाम से, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप प्ले स्टोर में पहुंच जाओगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड जैसे आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, ठीक है। इसमें फ्रेंड आपको क्या करना है, नीचे की साइड आपको क्रिएट एक अकाउंट के नाम से दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज आपको किसी पे क्लिक नहीं करना, नेट ट्राई ना उन पर साइनअप किसी पे भी नहीं, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड आपको नेक्स्ट पेज में एक तो ईमेल आईडी डाल देनी है और एक मोबाइल नंबर। फ्रेंड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिस पे ओटीपी आएगा, सबसे पहले मोबाइल पे ओटीपी आता है तो यहाँ से आप सेंड ओटीपी कर दीजिए। सिंपली फ्रेंड जैसे आप यहाँ से सेंड ओटीपी कर देते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाता है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ दो ऑप्शन आएंगे। और फ्रेंड अगर आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है नीचे की साइड वेयर यू रेपर कोड, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ये कोड डालना है DR9005 के नाम से, देख लीजिए इसी कोड को डालोगे तभी फ्रेंड मैं आपको साइनअप के 200 रुपये दे पाऊंगा। अगर आप नहीं डाल पाते हो तो भाई आपको मैं नहीं दूंगा। तो भाई ध्यान रखना, अगर ऐसा ऑप्शन भी आता है तो इसमें रेपर कोड डाल देना, और अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आता डायरेक्टली नेक्स्ट का आता है तो भाई यहाँ से आप पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट कर देना। उसके बाद फ्रेंड आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल जो भी है वो डाल देना। उसके बाद 1 लाख से कम बिलोंग कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर कर देना है। उसके बाद आपको पॉलिटी एक्सपोर्ट पूछा जाएगा, इसमें नो करना है। और उसके बाद फ्रेंड आपसे नीचे एक साइड स्टूडेंट, ठीक है, जो आपके व्हाट इज एक्सपोर्ट से ना रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे नीचे कई ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा नीचे एक साइड, यहाँ से आप स्टूडेंट कर दीजिए। फ्रेंड स्टूडेंट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे लेना है, नीचे एक साइड लोगे तो आपसे पूछेगा यू आर एंटर टैक्स, यानी कि आप जो टैक्स देते हो तो इसमें भी आपको नो कर देना है क्योंकि भाई हम कोई टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद फ्रेंड आपको फ्रेंड नीचे चलने के बाद आपको एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड देख लीजिए पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपने भाई के पास कॉल जरूर कर लेना, समझा दूंगा पूरा कभी भी। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। फ्रेंड जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट कर देते हो
नेस्ट करने के बाद एक बार फिर से आप देख लीजिए, मतलब कोई आपने गलत तो नहीं भर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपको भरना है, उसी के बाद आपको नेस्ट करना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ से नेस्ट कर देते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है, ठीक है। ऊपर जो भी है क्लिक है उस पर ही रहने देना, इक्वलिटी पे रहेगा क्लिक, इसी पे रहना, अदरवाइज किसी पे क्लिक मत करना। उसके बाद आपके सामने पॉलिटी 30 दिन का 30 रुपये में ट्राई, ठीक है, इसी पे क्लिक रहना है, अदरवाइज किसी पे क्लिक नहीं करना। मतलब कि फ्रेंड इस पेज में आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे है उसी पे रहना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। भाई फिर भी मैं बता रहा हूँ, दिक्कत आए तो भाई से फ़ोन करके पूछ लेना, गलत मत भर देना। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यहाँ पे यस का जो ऑप्शन आ रहा है, यस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। यस पे जैसे फ्रेंड आप क्लिक कर देते हो, उसके बाद आपसे जो बैंक की डिटेल पूछा जाएगा, तो भाई मैं बता दूँ, यहाँ पे फिजिकल बैंक डालना, पेमेंट बैंक मत डालना, एयरटेल पेमेंट, पेटीएम का कोई सा भी पेमेंट बैंक भाई यहाँ पे ये नहीं चलता है। तो आपका जो भी अकाउंट है वो डाल दीजिए, जैसे एस बी आई, पी एन बी, अदर कोई सा भी, और उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। फ्रेंड जैसे हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हो, उसके बाद आपसे सिग्नेचर अपलोड कराएगा। तो भाई जो भी आपके सिग्नेचर है इंग्लिश हिंदी में, जो भी अकाउंट में नाम है ना उसी नाम का सिग्नेचर होना चाहिए, अदर नेम का जो नेम सिग्नेचर आपके नहीं अकाउंट में चलेगा। ना उसी नेम का सिग्नेचर होना चाहिए। और उसके बाद भाई नेक्स्ट कर देना, अगर आप अदर नेम डालते हो तो भाई यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्रिंट आपको स्किप करना है, रैप अराउंड पे क्लिक नहीं करना, स्किप आ रहा है ना उसी पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया वेरिफिकेशन के लिए, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो प्रिंट आपकी ईमेल आईडी को चेक कर लेना, उस पर एक आपको एक मेल मिलेगा ओटीपी, ठीक है, 6 नंबर का एक ओटीपी होता है। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद पेस्ट कॉपी करके नेक्स्ट कर दीजिए। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट कर देते हो, नेक्स्ट करने के बाद आपसे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड इसमें नीचे की तरफ जाना है और लाइट फ्री आ लाइट फ्री पे जाएगा, आपको आपको क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे लाइट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, तो इस पर यस कर देना है। यस करके फ्रेंड यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फ्रेंड उसके बाद देखो कई बार तो ऐसा आ जाएगा क्रोमलेसन, और कई बार फ्रेंड आपके सामने डिजी लॉक आ जाता है, तो उसमें भी आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने बाद ई साइनिंग विद आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। ई साइनिंग विद आधार कार्ड इस पर क्लिक जैसे आप कर देते हो, ठीक है, करने के बाद फ्रेंड आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। इसमें फ्रेंड आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको नीचे की साइड यहाँ पे ई साइनिंग नाउन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एक जो राइट का जो निशान आएगा टॉप अप कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए। फ्रेंड जैसे आप यहाँ से सबमिट कर देते हो, सबमिट करने के बाद आपसे जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, इस ऊपर की तरफ राइट का निशान कर दीजिए। उसके बाद आपसे आपके जो भी आधार कार्ड नंबर है आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, और यहाँ से सेंड ओटीपी कर दीजिए। फ्रेंड सेंड ओटीपी करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो उसके बाद आप यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर लीजिए। फ्रेंड जैसे आप यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर लेते हो, उसके बाद आएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाई देंगे, और उसके बाद आपसे कहेगा कि सक्सेसफुली साइनअप, मतलब कि आपका साइनअप है जो सक्सेस हो चुका है। उसके बाद जैसे आप बैक जाके दोबारा साइन इन पे आपके नंबर डाल के नेक्स्ट ओटीपी करो, तो उसमें दिखा देगा भाई आपका अकाउंट एक्टिवेशन, ठीक है, 1 से 2 दिन में हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए और सब कुछ राइट है। तो आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है, यानी 24 घंटे का आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आपके आईडी, पासवर्ड, आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिए जाएंगे। तो भाई मैं 24 घंटे का वेट करने के बाद दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और आपको बता दूँ भाई कैसा आपको एक मैसेज आएगा। तो भाई देख सकते हो इस प्रकार के एक मैसेज आएगा, और इसमें जो आपके यूज़र आईडी है ना वही आपके रैपर कोड है, यानी किसी बंदे को भेजोगे तो यही आपको लगाने, तो ये आईडी पासवर्ड है, इसको लगा के मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड शुरुआत में आईडी पासवर्ड लगाओगे तो उसमें पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से पासवर्ड आप चेंज कर लेना। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, उस पर क्लिक करना। भाई हमको यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं करना है, ट्रेंडिंग का पेज ओपन हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं करनी है, हमको तो यहाँ पे रैपर करके पैसे अर्न करने हैं। तो आप जैसे रैपर अर्न पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे दिखाई देगा 400 रुपये, और फ्रेंड इसकी कंडीशन लिख रहा है कि जब आपका जो बंदा है जिसको डाउनलोड कराओगे तो पूरा सक्सेसफुली अकाउंट खुल जाएगा, डीमैट अकाउंट, उसी के बाद आपको 400 रुपये मिलेगा, यानी कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं मिलने में पैसे, और उसके बाद 2-3 दिन अकाउंट में विड्रॉल करने में लग जाते हैं। तो भाई इस प्रकार का आपका जो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप यहां से देख सकते हो कि आपने कितने बंदों को इन्वाइट किया है, कितने का सक्सेस हुआ और कितने का आपका प्रोसेसिंग में है, यहां से आप सब कुछ देख सकते हो।
तो भाई उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि देखो, जैसे आप किसी बंदों के इनवाइट करते हो, उसके बाद आपको इस प्रकार का मैसेज आता है, जैसे कि आपका जो विड्रॉल होता है ना अकाउंट में आता है, तो इस प्रकार का आपको मैसेज आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो बस इतने है भाई, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो वीडियो आपको समझाई है वीडियो में ऐप स्टोर प्रो के बारे में, बिल्कुल क्लियरली आप समझ गए होंगे। और भाई फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो अपने भाई के पास कॉल या मैसेज कुछ भी कर लेना, कोई भी दिक्कत आ रही हो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो यार भाई की वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। भाई बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, और अपने भाई के लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और साइन अप के 200 रुपये फ्री में ले लीजिए। तो बस भाई आज की वीडियो में बस इतना ही है, और भाई के चैनल को फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर देना। तो भाई नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक अच्छे और मज़ेदार ऑफर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए। राम राम।